तो गाइस यार सुबह हो चुकी है और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। और अभी अभी इस घर के ओनर का मुझे फोन आया था, उन्होंने रेंट के लिए मुझे फोन किया था। आज आखिरी दिन है मेरा रेंट भरने का, अगर आज मैंने रेंट नहीं भरा तो मुझे वो इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ ताकि मैं सारी की सारी गाड़ियाँ रिपेयर कर दूँ। जी हाँ, मैं काम करता हूँ एक मैकेनिक का। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, ये मेरी खतरनाक सी बाइक फटाफट से ऑफिस के लिए निकल लेते हैं। ये फ्रैंकलिन पकड़ो इसको। अरे तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों गाड़ी चला रहे हो? ए फ्रैंकलिन के बच्चे चल हमारे साथ। ए लड़के गाड़ी से नीचे उतर। अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे गाड़ी से क्यों नीचे उतार रहे हो? जल्दी पकड़ो इसको, डालो गाड़ी में। अरे पर ये तो बताओ मैंने क्या किया है, ये बहुत ही सवाल पूछता है। ये ले जल्दी चलो, हमारा काम हो गया। अरे पर मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे जॉब पर जाना है वरना मुझे मेरा बॉस जॉब से निकाल दे। चुपचाप बैठ जाओ। अरे ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो इस गाड़ी में, मुझे बता दो। आखिरकार अब आ गए, बॉस बॉस हम आपके पालतू कुत्ते को ले आए। अरे जल्दी से उसको बाहर निकालो। आजा पालतू कुत्ते, तेरा बाहर आने का टाइम आ चुका है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मुझे यहाँ पर कौन ले। बोलो बोलो क्या बोल रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं और ये मैं किससे घर आ चुका हूँ। इधर आओ इधर आओ। अबे शिंचन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे फेकी मैं मेरे घर पर आके मेरे से पूछ रहा की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। क्या ये तेरा घर है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। पर एक सेकेंड, अबे तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैंने तुझे बोला था ना लॉस सैंटोस छोड़ के चले जा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, हमारी रिश्तेदारी हमेशा के लिए कट। अरे तो मैंने आपसे कोई रिश्तेदारी बनाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको दिखाने के लिए बुलाया है कि आपने मुझे बोला था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप देखो मैंने क्या क्या कर लिया। मेरे पास एक खतरनाक सी लिमोजिन है, रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी, स्पोर्ट्स कार, सारी की सारी गाड़ियाँ मेरे पास है और मैं जो चाहे गाड़ी खरीद सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड भी है। क्या ये सब लोग तेरे लिए काम करते हैं? अरे भैया भैया मैं किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप मुझे बताओ क्या आप शिनचैन के लिए काम करते हो? हाँ हाँ मैं शिनचैन सर के लिए काम करता हूँ, कोई शक है क्या? अरे शक क्या, इसके लिए कोई कैसे काम कर सकता है। अरे ये तो बहुत ही गरीब था, ये अमीर कैसे हो गया। अरे वेकी मैं किस्मत बदलती देखी, मैं रब बदलता देखा, मैं बन गया लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी और आप अभी भी रह गए लॉस सैंटोस के सबसे गरीब आदमी। मतलब ये सारी के सारी गाड़ियाँ तेरी है और ये खतरनाक सा घर भी तेरा है। अरे वेकी मैं सिर्फ यही घर नहीं, मेरे पास लॉस सैंटोस में 10 घर और हैं, वो इससे भी खतरनाक है। फ्रेकी भैया आप तो गरीब की गरीब ही रह गए, मैं देखो कितना ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। अरे शिनचैन तू तो सही में बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है, गाड़ियाँ पैसा बॉडीगार्ड्स घर तेरे पास तो सब है। अरे शिनचैन तू अब मुझे भी अपने साथ रख ले प्लीज प्लीज शिनचैन। अरे फुटिया से मैं तुझे अपने साथ नहीं रखने वाला, पहले खुद ने मुझे अपने घर से बाहर निकाला था, मुझे गरीब गरीब बोल के घर से बाहर निकाला था ना, अब निकल जाओ यहाँ से, मैं आपको मेरे साथ नहीं रखने वाला, निकल जाओ। अरे शिनचैन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो तेरा कितना अच्छा दोस्त हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रख ले। अरे बोल रहे निकलो यहाँ से, बॉडीगार्ड्स निकालो इसको। अरे सर कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। धक्के मारने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। शिनचैन तूने ये मेरे साथ बहुत ही गलत किया, मैंने तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था और तू मुझे ही भगा रहा है। अरे जाओ जाओ वरना पत्थर फेंक के मारूंगा। अरे नहीं नहीं पत्थर मत देखना, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये शिनचैन का घर कितना ज्यादा खतरनाक है और इसके पास खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ भी है और ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है और ये शिनचैन तो मुझे अपने साथ रख नहीं रहा। अरे गाइस मुझे तो अपनी जॉब पर जाना है, मुझे जल्दी से जाना चाहिए, अगर मेरे बॉस को पता चला कि मैं लेट हो गया हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। जल्दी से चलते वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपने घर का रेंट नहीं भर पाऊंगा और फिर मैं रोड पर आ जाऊंगा और ऐसा मैं होने नहीं देना चाहता, इसलिए फटाफट से चलते हैं, इसलिए फटाफट चलते हैं जॉब पर। तो गाइस अभी मैं अपने गैराज पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मैं काम करता हूं, यहां पर मेरी जॉब चलती है और हम यहां पर आ चुके हैं। सर 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 मैं आ गया। अरे देखो देखो फ्रैंकलिन राजा आ गए। आओ फ्रैंकलिन राजा। राजा कौन राजा? अरे सर आप राजा, आप कहीं तो के राजे, जब जाओ जब आओ नहीं आओ क्या फर्क पड़ता है। अरे सर वो बात नहीं है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे कुछ गुंडों ने उठा लिया था। ओहो राजा साहब को गुंडों ने उठा लिया था, बहुत बढ़िया, अब जाओ तुम भी गुंडा बनो,
करो सर, मेरी नौकरी नहीं ले सकते हम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने तुम्हारी नौकरी कैंसिल कर दी, निकल जाओ यहाँ से। सर 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 प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे मेरे घर का रेंट भरना है, अगर मैं रेंट नहीं भरूंगा तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम घर में रहो या फिर टेंट में, निकल जाओ यहाँ से। अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे लगा ही था अगर मैं लेट आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं घर से जल्दी निकल रहा था, पर उस शिनचैन के गुंडों के चक्कर में मेरी आज नौकरी जा चुकी है। और कैसर मेरी नौकरी चली गई, इसका मतलब मैं रेंट भी नहीं भर पाऊंगा, इसका मतलब मेरा घर भी चला गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा घर चला गया, मेरी नौकरी चली गई, अब इस दुनिया में रहने का कुछ मतलब ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इधर, मैं जा रहा हूँ। तो कैसर आखिरकार वो टाइम आ चुका है, मैं आ चुका हूँ लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग के टावर पर और मेरी जॉब जा चुकी है, मुझे मेरे घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस मेरे पास ये सूट बचा है और ये चड्डा बचा है और ये जूते बचे हैं जो कि मेरे कुछ काम के नहीं है, इसलिए आज सब खत्म होने वाला है। मैं यहाँ से जंप करूंगा और जाऊंगा नीचे, फिर उसके पास सीधा जाऊंगा ऊपर और आपसे मिलेंगे पता नहीं कब। चलो यार चलते हैं, मिलके बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, आखिरी बार बोल रहा हूँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हम जा रहे हैं। अरे एक सेकंड, मेरे पास पैराशूट क्यों है, अरे इससे तो मैं बच जाऊंगा, रुक जाओ पैराशूट काट देंगे, मुझे बचाओ। अरे मैं क्यों कूदा, मुझे नहीं कूदना था, बचाओ। ओड़ी बाबा ये क्या चल रहा है, ये कौन सा इंसान नीचे जा रहा है, रुक जाओ मैं तुम्हें बचा लूंगा। कौन है कौन है? ओड़ी बाबा बच्चे तुम टेंशन मत लो, मैंने तुमको बचा लिया है, आ जाओ बच्चे। अरे तुम कौन हो, मुझे क्यों बचा लिया? उड़ी बाबा मैंने पहली बार सुना है किसी को बचाने के बाद वो बोल रहा है क्यों बचाया। अरे मुझे नहीं बचाना चाहता, मैं मरना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से कूदा था। उड़ी बाबा ओके अभी फेंक देता हूँ, बचा बचा मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उड़ी बाबा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज मुझे बचा लो। उड़ी बाबा टेंशन क्यों रहते हो, मैंने तुमको बचा लिया है, आ जाओ। चलो मुझे बताओ तुम मरना क्यों चाहते थे? डॉक्टर स्ट्रेंज मैं क्या बताऊँ, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकाल दिया, मेरी जॉब भी चली गई, मेरे पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है, तो मैंने सोचा यही सबसे अच्छा आइडिया होगा। उड़ी बाबा तुमने तो बिल्कुल गलत सोचा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं हो पर ऐसा करना बहुत बुरी बात है। अरे तुम ये बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक पावर है, तुम जितना चाहे पैसा यहाँ पर ला सकते हो। उड़ी बाबा बात तो तुम्हारी सही है, होम क्रीम कोल्ड क्रीम यहाँ पे पैसा आ जाए जैसे आइसक्रीम। ये देखो मैंने बोला था ये जादू करके 5-5 ब्रीफकेस ला दिए और मैं यहाँ पर इतना काम कर रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उड़ी बाबा तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब लोग यही बोलते कि मेरी मदद करेंगे पर मेरी मदद कोई नहीं करता। उड़ी बाबा मैं सब लोग के जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्या मदद करोगे बताओ मुझे। उड़ी बाबा अभी बताता हूँ। उड़ी बाबा ये देखो हम आ गए मेरे खतरनाक मैजिक मंदिर में, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। तुम बोलते हो तुम्हारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आज के बाद तुम्हारे पास इतना पैसा होगा उड़ी बाबा मजा आ जाएगा। अरे तू ये सब बोल तो रहा है पर होगा कैसे सब पैसा? उड़ी बाबा मेरे जादुई अंडे के ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है जादुई अंडे के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ गया। उड़ी बाबा क्या तुम तैयार हो? तो मेरे साथ बोलो ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम। मुझे चाहिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मुझे चाहिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे ये क्या हो रहा है, ये धुआं इतनी तेज कर रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बचा बचाओ। अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? पैराशूट पैराशूट पैराशूट, बच गया बच गया। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बचाया फिर खुद ही नीचे फेंक दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कैसर अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बोला था आज के बाद मैं बहुत ही अमीर बनने वाला हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो मुझे बहुत ही पागल बना दिया, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है मुझे चोरियां करना चालू करनी पड़ेगी, जैसे इस गाड़ी की चोरी करने वाला हूँ अभी मैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं आज से गाड़ियों की चोरी
एक सेकंड, ये क्या, ये गाड़ी जब मैं बैठा था ब्लैक कलर की थी, ये गोल्ड की कैसे हो गई? नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। रुक जाओ, चलो इस वाली गाड़ी पे टच करेंगे। ये गाड़ी अभी ग्रे कलर की है और हम इसको टच करेंगे और ये क्या, ये गाड़ी भी गोल्ड की कन्वर्ट हो गई। अरे कैसा, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स दे दिए। मैंने उस गाड़ी को टच किया, वो गोल्ड की हो गई, उसको टच किया, वो भी गोल्ड की हो गई। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूँ तो वो गोल्ड का बन जा रहा है। रुक जाओ, मुझे इधर भी टेस्ट करना पड़ेगा। अभी इस डस्टबिन को हम टच करने वाले और ये क्या, ये भी गोल्ड का बन गया। ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो कैसर, मुझे ऐसी पावर्स मिल चुकी है, मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूँ तो वो गोल्ड की बन जा रही है। ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कैसर, मैंने अपने घर का रेंट नहीं दिया था इसलिए मेरा घर चला गया था, पर अब मैं उस घर को पूरा का पूरा खरीद सकता हूँ। अब मुझे रेंट पर नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपने लिए बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ। जिस गैराज पर मैं काम कर रहा था, मैं उस पूरे गैराज को खरीद सकता हूँ। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूँ तो वो गोल्ड की बन जा रही है। मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। तो गाइजर, अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा कार्स का कलेक्शन रख दिया है। आप देख सकते हो लिमोजिन, जीटीआर, जीटीआर एसयूवी और खतरनाक सुपर कार्स लैम्बोर्गिनी, यहाँ पर भी एसयूवी और यहाँ पर एक और खतरनाक सी लिमोजिन। तो गाइजर, आप देख सकते हो कार का कलेक्शन हमारा रेडी है और हम इन सबको टच करके करेंगे गोल्ड का कन्वर्ट। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमोजिन, ये खतरनाक सी गाड़ी, एसयूवी, फिर ये सुपर कार लैम्बोर्गिनी, फिर से ये सुपर कार, एक और सुपर कार, एक और एसयूवी, ये खतरनाक सी जीटीआर और वापस से लिमोजिन। क्या आप तैयार हो हमारा गोल्ड कार कलेक्शन देखने के लिए? 3, 2, 1। और आप देख सकते हो सारी की सारी गाड़ियां कन्वर्ट हो चुकी है हमारी गोल्ड में। लिमोजिन, जीटीआर, सारी की सारी सुपर कार, एसयूवी, सबका सब कन्वर्ट हो चुका है गोल्ड में। और ये कलेक्शन भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बताओ। और अब मेरे पास ये पावर्स आई चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ आप सभी को एक गोल्ड कार्स बांटने की। तो जिसको लिमोजिन चाहिए फटाफट से कमेंट करो, जिसको ये वाली गाड़ी चाहिए कमेंट करो, इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, लैम्बोर्गिनी के लिए भी कमेंट कर सकते हो, सारी की सारी गाड़ियों के लिए कमेंट कर देना कौन सी गाड़ी आपको चाहिए सिवाय इसके, क्योंकि ये गाड़ी मैं ही रखने वाला हूँ। चलो फटाफट से बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और यहाँ से निकलते हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट है, ये मैं रखूंगा, बाकी की सारी आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके अपना नाम बताना, सीधा आपके घर पर ये गाड़ियां आ जाएगी। चलो गाइजर, गाड़ियां हमारे पास आ चुकी है, पैसा हमारे पास बहुत आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज बाकी है। अब बस एक ही चीज को ठीक करना है, जो की हमारी बेइज्जती, हमारी बेइज्जती करी थी किसी ने, तो अब हम उसकी बेइज्जती करने वाले। चलो फटाफट से चलते हैं उसके घर पर और बताते हैं कि हम कितने खतरनाक है। तो गाइजर, अभी आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं शिनचैन के घर पर, वापिस से यहाँ पर आ चुके हैं। कैसा है शिनचैन? अरे ये गोल्ड की गाड़ी में से कौन आ रहे? अरे ये क्या, ये तो फ्रैंकलिन भैया है। हाँ शिनचैन, मैं हूँ फ्रैंकलिन। अरे आपने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो इसको। ए रुक जा, कोई चोर नहीं है यहाँ पर। मैंने बोला था ना, मेरे घर में मत घुसना, सिक्योरिटी निकालो इसको। सर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? रुक जाओ, अभी बस एक फोन लगाने दो। हाँ हेलो, मुझे लॉस सेंटोस की सारी सिक्योरिटी खरीदनी है। ओके डील डन। अरे विक्की, मैं कौन सी सिक्योरिटी खरीद रही हूँ, ये सारी सिक्योरिटी मेरी है। शिनचैन मेरे ख्याल से तो कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तेरी सारी सिक्योरिटी अभी मेरे पीछे खड़ी है। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? फ्रैंकलिन सर ने डबल पैसा देख के हम सबको खरीद लिया है, अब हम फ्रैंकलिन सर की सिक्योरिटी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। शिनचैन ऐसा हो चुका है, तेरी सारी सिक्योरिटी मैंने खरीदी, तेरी सारी गाड़ियां भी मैं खरीदूंगा और तेरा पूरा का पूरा घर मैं खरीदूंगा, तो निकल यहाँ से। अरे मुझे मत मारो फ्रैंकलिन भैया, मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, तूने मुझे अपने साथ नहीं रखा था, मैं भी तुझे अपने साथ नहीं रखने वाला। ये ले सिक्योरिटी, जल्दी से इसको मेरे घर से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। चलो गाइस सर, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। वैसे मुझे ये वाला घर चाहिए नहीं था, ना ही इसकी गाड़ियाँ चाहिए थी, बस मुझे इसकी बेइज्जती करनी थी क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती करी थी। तो गाइस सर, हमारा काम हो चुका है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो चुका है। अगर आपको मेरा गोल्ड कार कलेक्शन देखना है तो वो कमेंट करके बताना, बिल्कुल प्रीमियम गोल्ड कार कलेक्शन होने वाला है। और मैं लॉस सेंटोस में सोच रहा हूँ 100-200 घर खरीदने की, तो अगर आपको वो देखना हो तो वो भी बता देना। मैं
मैंशन खरीदेंगे, बिल्डिंग्स खरीदेंगे और भी बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। तो अच्छी वीडियो से बताइए, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर ज्वाइन फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।